नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स से रिलेटेड अपने डिस्कशन की श्रृंखला में मैं सी अनूप भाटिया आज आपके साथ टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस के विषय पर डिस्कस करने जा रहा हूं। एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में काफी हद तक बढ़ा है, और नेचुरली जब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं सर, तो उसके साथ एक टैक्सेशन एस्पेक्ट अपने आप जुड़ करके चला आता है। तो यहाँ पर आज के इस डिस्कशन में सर, मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हुई इनकम, उससे रिलेटेड हुए कैपिटल गेन, इन सब पर एक डिटेल डिस्कशन आपके साथ इस वीडियो के थ्रू करने जा रहा हूँ। तो सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपके सामने मैं समझने के लिए रख रहा हूँ, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड? अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिन्हें हम इनकम टैक्स के एस्पेक्ट से नजर रख सकते हैं और फिर उसके हिसाब से हम टैक्सेशन इंपैक्ट को समझ सकते हैं? तो पहला प्रकार है सर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू म्यूचुअल फंड का, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। और दूसरा प्रकार है सर जिसमें अन्य म्यूचुअल फंड आते हैं, जिन्हें मैं अदर म्यूचुअल फंड कह रहा हूं, जो चाहे डेट म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं और लिक्विड म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं। तो हमें सर अब यही समझना है कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है और डेट ओरिएंटेड या अदर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो यहां सर मेरा एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, व्हाट इज एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या है? और मैं सर इसको समझने के लिए सेक्शन 10 क्लॉज 38 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट से एक डेफिनेशन लेकर के आ रहा हूं, जिसमें कहा गया है, एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड मीन्स अ फंड वेयर द इन्वेस्टेबल फंड्स आर इन्वेस्टेड बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स इन डोमेस्टिक कंपनीज टू द एक्सटेंट ऑफ मोर देन 65% ऑफ टोटल प्रोसीड्स ऑफ सच फंड। यहां आपको क्या समझना है सर, मैं बड़े सरल शब्दों में इसे कहना चाहूंगा, यदि कोई म्यूचुअल फंड अपनी म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम बनाता है और उस स्कीम में अगर साल भर ऑन एन एवरेज 65% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में रहता है, यानी शेयर्स में रहता है, तो ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, और इसके अलावा जो बाकी की म्यूचुअल फंड स्कीम बन जाती हैं वो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम कहलाती हैं। तो मेरे डिस्कशन में सर, मैं ये जो बाइफरकेशन कर रहा हूं, ये इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूं कि इनकम टैक्स किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम को इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के रूप में देखता है, ऐसी स्कीमों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मानता है जिसमें इन्वेस्टेबल फंड्स का मोर देन 65% ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग द ईयर इक्विटीज में लगा हो, और बाकी सारे म्यूचुअल फंड, चाहे वो डेट फंड कहलाएं, लिक्विड फंड कहलाएं, मिक्स फंड कहलाएं, अगर उनमें एवरेज 65% से ज्यादा इक्विटीज में नहीं लगा तो सर वो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। ये बात समझना इसलिए महत्वपूर्ण है सर क्योंकि इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं वो सब इसी आधार पर, पर्टिकुलरली कैपिटल गेन के लिए डिसाइड की जाती हैं कि क्या आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड था या नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड था। यहां आप देखिए सर, मैं अब आपके सामने अगला प्रश्न ले आया, व्हाट इज अ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड? हालांकि इनकम टैक्स एक्ट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को ही परिभाषित करता है और वो बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स को एक तरीके से नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मानते हुए उनका टैक्सेशन करता है, परंतु अगर परिभाषा के रूप में रखूं सर, तो अ डेट फंड इज अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स ईजी कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। डेट फंड्स आर ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इनकम फंड और बॉन्ड फंड्स। तो मेरी इस बात पर आप ध्यान रखिएगा सर कि इनकम टैक्स लॉ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को अलग टैक्सेशन कैटेगरी में रखता है और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को अलग टैक्सेशन कैटेगरी में रखता है। यहां पर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में डेट फंड भी आ सकते हैं, इक्विटी फंड भी आ सकते हैं, फिक्स इनकम फंड भी आ सकते हैं या बॉन्ड फंड भी आ सकते हैं। तो इनकम टैक्स उन अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी मानते हुए चलता है। अब यहां पर सर मैं जो प्रश्न आपके साथ डील कर रहा हूं, हालांकि आपकी समझ में है इस प्रश्न का आंसर भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ इसे कैच करने की कोशिश करिएगा। व्हाट काइंड ऑफ इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम म्यूचुअल फंड? बड़ा सिंपल है सर, डिविडेंड इनकम या कैपिटल गेन की इनकम, और आप कैपिटल गेन की इनकम को फर्दर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी बाइफरकेट कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है सर कि म्यूचुअल फंड से क्या हमेशा डिविडेंड इनकम ही होती है क्या? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं सर, हो सकता है आपने किसी बॉन्ड फंड में, लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो और वो आपको रिटर्न दे रहे हो, तो ये जो रिटर्न है सर वो आपकी
एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग में इंटरेस्ट कहला सकता है। यानी आप उसे इंटरेस्ट कह सकते हैं कि साहब मैंने मनी मार्केट फंड में इन्वेस्टमेंट किया, लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट किया और मेरे को 7-8% का रिटर्न आ रहा है। तो सर ये 7-8% का रिटर्न हो सकता है एफडी से बढ़िया हो और आपके कंपेरिजन में आप इंटरेस्ट ऑन एफडी से इसे कंपेयर कर रहे हो। लेकिन म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजी में इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू आप ये जो भी रिटर्न ले रहे हैं, चाहे इक्विटी ओरिएंटेड फंड पे ले लें या नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर ले लें, जो आपको एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एक म्यूचुअल फंड देता है सर, वो डिविडेंड ही कहलाता है और इसका टैक्सेशन से बड़ा खास लेना देना है, ये मैं आगे आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। अब क्योंकि सर हमारे लिए एक प्रश्न आएगा कि कैपिटल गेन की इनकम का भी टैक्सेशन होना है जो म्यूचुअल फंड से आएगी, तो मैंने यहां पर एक प्रश्न रखा, हाउ टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर कैपिटल गेन कंप्यूटेशन। तो डिटरमिनेशन करने का पीरियड तो मैं सीधा सा बोल सकता हूं कि आपने जिस दिन म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के लिए अलॉटमेंट लिया, यानी आपको मान लीजिए एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड की 100 यूनिट्स 1 अप्रैल 2019 को मिल गई और आपने उन यूनिट्स को मान लीजिए अगले साल 30 मई 2020 को बेचा। तो बड़ा सिंपल से टर्मोलॉजी में कहूं तो 1 अप्रैल 2019 से अगले साल मई 2020 में जब तक आपने उस प्रॉपर्टी को यानी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बेचा, तब तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहलाएगा। ये पीरियड ऑफ होल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पीरियड ऑफ होल्डिंग से ही आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पीरियड का डिटर्मिनेशन करता है और अकॉर्डिंगली टैक्स रेट आपको प्रोवाइड करता है। मैं इसे ऐसे कह सकता हूं सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि यदि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है और आपने उसे 12 महीने से ज्यादा रखा है तो आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, और अन्य म्यूचुअल फंड की यूनिट, अब यहां आपको महत्व अपने आप मिलेगा कि क्यों इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को दूसरों से अलग करना जरूरी है, और अन्य म्यूचुअल फंड सर जो कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं है वो लॉन्ग टर्म तभी कहलाएंगी, वो यूनिट्स लॉन्ग टर्म तभी कहलाएंगी जब आपने उन म्यूचुअल फंड यूनिट को 36 महीने से ज्यादा रखा है। तो ये फर्क समझना सर एक असेसी के लिए बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कब होता है और शॉर्ट टर्म कब होता है। जनरली हम ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डिफरेंस इसलिए करते हैं सर क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट कम लगती है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट ज्यादा लगती है। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट को बेचने जा रहे हैं तो उससे पहले अगर आपको ये 12 महीने प्लस या 36 महीने प्लस का कॉन्सेप्ट पता है तो आप अपने टैक्सेशन के एस्पेक्ट को अकॉर्डिंगली ध्यान में रखते हुए चल सकते हैं। यहां पर यही चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था। अब देखिए सर, टैक्सेशन ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, मैं स्पेसिफिकली अब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन पर आपसे बात कर रहा हूं सर। तो पहला पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है सर कि टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम का टैक्सेशन कैसे होगा जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से आ रही है। तो मेरी बड़ी स्पष्ट राय है सर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 10 क्लॉज 35 म्यूचुअल फंड से आने वाली डिविडेंड इनकम को एग्जम करता है। किसी भी क्वांटिटी में यानी कितने भी अमाउंट में आप म्यूचुअल फंड का डिविडेंड लीजिए, यदि आप इंडिविजुअल एचएफ या इवन अदर पर्सन है तो आपको म्यूचुअल फंड के डिविडेंड इनकम का टैक्सेशन नहीं होगा। एक और बात क्लियर कर देता हूं सर कि ऐसा भी सुनने में आया मार्केट में कि 10 लाख से ऊपर के डिविडेंड इनकम पर 10% रेट से टैक्स लगता है सेक्शन 115BBDA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन वो डिविडेंड सर कंपनी से आया डिविडेंड है, म्यूचुअल फंड का डिविडेंड चाहे आपको करोड़ों रुपए मिल जाए उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स एक्ट में नॉर्मल प्रोविजंस में नहीं लगेगी। अगला प्रश्न सर, टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन इनकम किस प्रकार से होगा सर? तो यहां पर दो बात है हमारे लिए, आइदर देर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और देर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से तो आपको सर 10% की टैक्स रेट ही लगेगी, और यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको 15% की टैक्स रेट लगेगी। तो ये बात महत्वपूर्ण रही सर कि अगर आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, आपने उसे 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके बेचा है, तो आपको जो भी कैपिटल गेन है उस पर आपको मात्र 10% टैक्स रेट देना है, और यदि आपका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है तो आपको 15% की टैक्स रेट पर टैक्स देना है। ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन का मेन एस्पेक्ट है। अब सर देखिए, टैक्सेशन ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या मैं इसे और तरीके से, परिष्कृत तरीके से बोलूं, रिफाइंड तरीके से बोलूं, तो मैं कह सकता हूं यहां मैं नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन आपके साथ डील करने जा रहा हूं। और सबसे पहले जैसे हम डिविडेंड इनकम पर बात करें
तो डिविडेंड इनकम सर, चाहे आप उसे इंटरेस्ट मानते हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे डिविडेंड ही बोलेगा। और जैसा मैंने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में बोला, 10 क्लॉज 35 में डिविडेंड एग्जम्प्ट है, तो सर आपको डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में आया डिविडेंड भी एग्जम्प्ट है। इससे एक महत्वपूर्ण बात हमें यह समझ में आती है सर कि फिक्स डिपॉजिट्स पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। म्यूचुअल फंड भी एक तरीके से इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके ही हमें रिटर्न देते हैं, और वो एक तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग में ब्याज ही है। लेकिन परंतु सर वो ब्याज इनकम टैक्स में डिविडेंड है और इसलिए उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी। रही कैपिटल गेन इनकम की बात सर, यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 20% टैक्स देना है नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर मैं लिखना चाहता हूं नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट का मतलब क्या है सर, स्लैब रेट भी हो सकता है। मान लीजिए आप कंपनी है तो आपको 25% 30% की टैक्स रेट भी लग सकती है। सो इट वुड डिपेंड अपॉन द स्टेटस ऑफ द एसएससी दैट हाउ दिस टैक्स लायबिलिटी विल अट्रैक्ट। पर आपको यह कंपेरिजन अब स्पष्ट हो गया होगा कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन रेट कैपिटल गेन में एज कंपेयर टू अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड निश्चित रूप से कम है। तो एक तरीके से फोकस क्या है कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट प्रमोट करती है। अब ये प्रश्न देखिए सर मेरे साथ, कैन टैक्स पेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ म्यूचुअल फंड्स बी सेव। आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स की यूनिट बेची और अब आपको कोई टैक्स लायबिलिटी, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, 10% रेट पर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में या 20% रेट पर नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लग रहा है और आप उस टैक्स को बचाना चाहते हैं, तो क्या ये ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है क्या? तो मैं इस पर स्पष्ट राय अपनी देना चाहूंगा सर। अगर आपके पास में टैक्सेबल म्यूचुअल फंड इनकम है और जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम म्यूचुअल फंड के री इन्वेस्टमेंट पर कोई लॉ प्रमोशन नहीं दे रहा, लेकिन यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचने से, एज एन इंडिविजुअल एज अ एचयूएफ आप सेक्शन 54EC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में या आप सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, अज्यूमिंग दैट कि आप बाकी की कंडीशंस इन सेक्शन में जो लिखी हैं वो पूरी करते हैं, आप इन दो पर्टिकुलर धाराओं के अंतर्गत एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये सर कैपिटल गेन की टैक्स एग्जम्पशन के लिए आपको एक रिलीफ मिल सकता है। रही बात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो उसमें ये जरूर कहूंगा कि यदि आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम में स्लैब रेट का बेनिफिट अवश्य मिलेगा। अब देखिए सर, मेरा अगला प्रश्न है जिसको हम जनरली ईएलएसएस के रूप में जानते हैं वो क्या है, और एक ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम दूसरे म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है, और क्या एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और ईएलएसएस में भी कोई डिफरेंस होता है क्या? तो आप ये देखिए सर कि एक परिभाषा आई, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इज एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम विद अ कंपल्सरी लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एंड इट इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 80% ऑफ इट्स एसेट्स इनटू इक्विटीज। तो सर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वो है जो मिनिमम 80% इक्विटी में लगा रही है, जबकि हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड उसको मान रहे हैं जो 65% प्लस इक्विटी में लगा रहा है। यानी सारी ईएलएसएस की स्कीम जो भी है वो सब एक तरीके से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड तो है ही, लेकिन यदि वो ग्राफ 65% की जगह 85% टच कर रहा है तो सर ऐसी परिस्थिति में क्या कहलाएगा? ईएलएसएस। ये ईएलएसएस को अलग कैटेगरी क्यों माना जाए? क्योंकि सर ईएलएसएस वो स्कीम है म्यूचुअल फंड की जिसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट बेसिस डिडक्शन मिलता है। यानी हर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने पर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में छूट नहीं मिलती, केवल ईएलएसएस में मिलती है। तो सर अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ईएलएसएस वो है सर ऐसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो आपको 80C का डिडक्शन दिलाएगी, परंतु वहां लॉक इन पीरियड आपका मोर देन 3 ईयर होगा, यानी मिनिमम 36 महीने आपको होल्ड करना है। लेकिन बाकी सारी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट आप 1 साल प्लस में भी बेचेंगे तो भी सर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम निकल करके आएगी। तो ये थोड़ा सा सर ईएलएसएस से डिस्कशन जो रिलेटेड था मैंने आपके सामने रखा। अब अदर क्वेश्चंस के फॉर्म में सर मैं आपके सामने यहां 3 प्रश्न रख रहा हूं, जरा आप इन्हें मेरे साथ में समझने की कोशिश करिएगा। कैन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ अदर कैपिटल एसेट बी इन्वेस्टेड इन टू म्यूचुअल फंड टू अवेल कैपिटल गेन एग्जम्पशन। मान लीजिए आपको कोई म्यूचुअल फंड बेचने से कैपिटल गेन हुआ और आपने उस कैपिटल गेन को दूसरे म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, क्या आपको कैपिटल गेन की जो टैक्स लग रहा है उससे एग्जम्पशन मिलेगी? आंसर इज नो।
दूसरा प्रश्न, इन केस ऑफ मर्जिंग ऑफ टू म्यूचुअल फंड स्कीम व्हाट टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस शेल फॉलो। मान लीजिए म्यूचुअल फंड की स्कीम ए है और बी है और उन दोनों को अब एक साथ मर्ज करके एक सी स्कीम बना दी गई, या ए में बी को या बी में ए को मर्ज कर दिया गया, तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 47 ये कहता है यदि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स मर्ज होंगी तो ऐसा ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, यानी आपको कोई कैपिटल गेन की टैक्स लाइबिलिटी ऐसी मर्जिंग पर नहीं आएगी। तीसरा प्रश्न, कैन अ नॉन रेजिडेंट ऑल्सो इन्वेस्ट इन टू म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन इंडिया। नो डाउट अबाउट इट सर, कि एक नॉन रेजिडेंट भी इंडियन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनको भी जो टैक्स बेनिफिट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ज्यादातर सर वो टैक्स बेनिफिट एक नॉन रेजिडेंट भी एंजॉय कर सकता है। तो ये सर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तीन और प्रश्न जो मेरे दिमाग में थे मैंने आपके सामने यहां पर रखे। तो अंत में सर मैं हमेशा की भांति आप सभी को धन्यवाद देता हूं मुझे नए नए टॉपिक सजेस्ट करते रहने के लिए और मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए, इस चैनल को लाइक करने के लिए, और साथ ही साथ सर आई वुड ऑलवेज अप्रिशिएट दैट यू कीप ऑन राइटिंग मी योर क्वेरीज ऑन वॉट एवर टॉपिक्स फॉर विच आई एम प्रिपेयरिंग वीडियोज। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपसे रिलेटेड, आपकी जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरीज हैं उनका यथोचित जो भी समाधान मेरे पास में हो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।